De la Besh, pure संसार का विनाश कर देगा, हर जीवित और निर्जीव का मैं अंत कर दूंगा और विष्णु भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये हलाहल तो सारे ग्रहों को भी नष्ट कर रहा है। यदि विष्णु जी ने कुछ नहीं किया तो सब समाप्त हो जाएगा। प्रभु, कोई तो उपाय होगा इस विष से बचने का। एक उपाय है जिनमें सब लय होते हैं, यदि इस विष को भी वह स्वयं में लय कर ले तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। महादेव, शिव शंकर ऐसे ही भूतनाथ नहीं कहलाते। वो भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर सबको अपनाते हैं। उनके लिए ना ही कोई सही है और ना ही कोई गलत, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे आसीन हो या विश्व से तिरस्कृत, संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो उनमें लय ना लेता। जब कोई उनसे वरदान मांगता है तो एक बार उसके परिणाम के बारे में सचेत अवश्य करते हैं, किंतु तब तक लौटने नहीं देते जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो। इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहलाते हैं। केवल वो ही है जो इस कालकूट को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। केवल वो ही है जो इस संसार को विनाश से बचा सकते हैं। बाबा, ये पौष्टिक आहार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका सेवन नहीं कर सकती मैं। यदि मेरा पुत्र यहाँ होता तो वो इसे अवश्य चखता और ये सिद्ध कर देता कि इसमें कोई विष नहीं है। किंतु तेरा पुत्र तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो केवल हम दोनों ही हैं ना, तो यहाँ तो तू वो कर जो मैं कह रहा हूँ या फिर मुझे मेरी अवस्था पर छोड़ दे। वैसे तो तू अति देवो बाबा के मंत्र का जाप करते नहीं थकती और अब तुझे इस अतिथि देवता के लूटने का तनिक भी भय नहीं है।
अगर विंता माँ ने ये जहरीला खाना खाया तो उनकी मृत्यु निश्चित है। हे परमपिता, हे प्रभु विष्णु, मेरी भक्ति स्वीकार करें। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वगम पापाये पचन्त्यात्म कारणम्। मंत्र का जाप तो कर लिया, किंतु इसका अर्थ भी पता है। जो आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति भोजन नारायण को प्रसाद के रूप में अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर वो सभी व्यक्ति जो भोजन को अपने स्वाद और आनंद का साधन बनाते हैं, वो भोजन नहीं साक्षात पाप का भक्षण करते हैं। बस बस, ज्ञान की बातें करने में समय नष्ट मत कर, शीघ्र खा। भूख के कारण मेरे पेट में सर्प लौट रहे हैं। खा। मैं ये भोजन कैसे खा सकती हूँ? मैं तो शाकाहारी हूँ, किंतु मेरे पास और कोई पर्याय भी तो नहीं। चलो अच्छा, आज इस दासी से भी छुटकारा मिल जाएगा, फिर इस बुड्ढे को इस कुटिया के साथ महल के बाहर फेंक दूंगा। आप अपने भक्तों के कष्टों से अनभिज्ञ नहीं। समुद्र मंथन में इस कालकूट नामक दैत्य के हलाहल विष से न केवल शीर सागर में बल्कि समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया है। हे महादेव, यदि आपने शीघ्र ही कोई उपाय नहीं निकाला तो यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। Thank you.
ये कैसे हुआ? ये खीर कैसे बन गई? तेरे विष्णु ने तेरी सहायता की होगी। तू ही तो कहती है ना, तेरा विष्णु कुछ भी कर सकता है। सत्य कहा आपने। अवश्य ही मेरे प्रभु ने मुझ पर दया की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों क्या कह रहे हैं? लगता है तुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं है। पहले इतना समय नष्ट हो गया है, अब भी तू तेरे विष्णु के गुणगान करने में समय बिता रही है। समझ गया मैं, भोजन में विष नहीं है। ला दे। ये कैसे संभव है? मेरे विष का इन दोनों पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा? किसी को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। पहले से ही एक रहस्य पेट में छिपा कर रखा है, फिर दूसरा रहस्य। मैं भी वही सोच रहा था, तक तू हमसे एक नहीं संभलता, अब ये दूसरा रहस्य कैसे संभालेंगे? तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो कालकूट, किंतु मेरे होते हुए तेरा यहां प्रवेश असंभव है। आज तपन बहुत है हवा में, तनिक हवा कर दे। जी जी बाबा। कालकूट की हलाहल से संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, इस विष को मुझे स्वयं ही ग्रहण करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी। मुझे करना पड़ेगा देवी। आप बाध्य नहीं हैं। मुझे ऐसे मत देखिए स्वामी, आप जो मुझसे कहना चाहते हैं मैं वो सुनना ही नहीं चाहती और ना ही समझना चाहती हूँ। आप जिसे ग्रहण करने की बात कर रहे हैं वो हलाहल है, कालकूट का विष। उससे अधिक विषैला इस पूरे संसार में और कुछ भी नहीं है प्रभु। इसीलिए सृष्टि के आरंभ में उसे समुद्र के तल के नीचे इतनी गहराई में दबा दिया गया था। जो कुछ भी उसके मार्ग में आता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बचती है तो केवल उसकी स्मृति। प्रभु के संकट विकट
परंतु नारायण को इस मंथन से पहले सोचना चाहिए था। सृष्टि के पालन करता है नारायण, आप ये जानती हैं देवी, उन्होंने वही किया जो उनका धर्म था, मुझे वही करना है जो मेरा धर्म है। यदि मैं कालकूट को स्वयं में लय नहीं करूंगा फिर कौन करेगा? सबके प्रति धर्म स्मरण है आपको, परंतु अपनी पत्नी के प्रति, उसके पति का क्या धर्म होता है स्वामी? सारी संसार की रक्षा के लिए आप स्वयं की बलि देना चाहते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यदि सृष्टि ही नहीं बची तो हम दोनों होकर भी क्या करेंगे प्रिय? भगवान भक्त की भक्ति में बंधे होते हैं, यदि भक्ति नहीं रहे तो भगवान का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जो मन में आए करना चाहते हैं आप, आपने निश्चय कर ही लिया है तो मेरा कहना ना कहना क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है देवी, बहुत अंतर पड़ता है। मैं शिव हूं क्योंकि आप मेरी शक्ति हैं, और आपके साथ के बिना मेरा विष को ग्रहण करना असंभव होगा। स्वामी, यह क्या करने के लिए कह रहे हैं मुझसे? आप चाहते हैं कि स्वयं एक सुहागन अपने पति को विष का प्याला दे दे? ये नहीं होगा मुझसे प्रभु, ये नहीं होगा। अब तक महादेव ने कुछ किया क्यों नहीं? अग्निदेव, ये इतना सरल नहीं है। वो महादेव हैं, स्वयं भगवान हैं, उनके लिए क्या कठिन और क्या सरल। हाँ वो भगवान है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें भावनाएं नहीं है, भगवान वो सब कुछ करने में सक्षम है जो इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा करने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति नहीं लगती। जिस हालात को हम पल भर के लिए सहन तक नहीं कर पा रहे थे, उसे पूरा का पूरा धारण करने वाले हैं महादेव। जब भक्त संकट में हो तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं, परंतु जब भगवान किसी दुविधा में हो तो उनका साथ कौन देगा? क्या आप निराश करेंगे ऐसे भक्तों को? ये सब हमारी अपनी ही संतानें हैं, क्या आप इन्हें पीड़ा में तड़पते हुए देख पाएंगे? भयानक वेदना में इन्हें प्राण देते हुए देख पाएंगे आप? आप सही कह रहे हैं स्वामी, हम अपनी संतानों के साथ ऐसी त्रासदी नहीं होने दे सकते। क्षण भर के लिए तो मैं भूल ही गई कि मैं तो सदा सुहागन हूं। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, कान में कुंडल और गले में मंगलसूत्र है प्रभु, हाथ में सुहाग का चूड़ा, पांव में अलता बिछिया, और जो सुहागन इन सारे अलंकारों से सुसज्जित होती है उसका सुहाग हमेशा अमर होता है। मैं प्रेम को बंधन नहीं बनने दूंगी स्वामी, मैं शक्ति हूं, आपकी शक्ति, और शक्ति ही रहूंगी। जाइए, सृष्टि की रक्षा कीजिए स्वामी, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए स्वामी।
एक ऐसी अजीब हलचल है आकाश में। शिवशंकर कालकंठितमूदर काशी कैलाशवासी मृत्युंजय भूतनाथ दानव धरो दर्शन कल्याणकारी शिव प्रभु भगवान महादेव को कितना कष्ट हो रहा होगा ना? ये हलाहल बुरे विचारों का प्रतीक है गर्ग, जो जितने एक साथ इकट्ठे होते उतने ही विषैले होते जाते। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन में कभी बुरे और अशुद्ध विचार निवास ना कर, हमारा मन सदैव शुद्ध और अच्छा रहे। स्वामी के भीतर से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यदि विष उनके कण के नीचे गया तो भी विश्व का विनाश होगा। मुझे कुछ करना होगा। प्रभु आपके उदर में समस्त सृष्टि का वास है। यदि ये हलाहल का विष आपके कर्ण से उतरकर उधर तक चला गया तो आपके इस महाप्रयास के बाद भी इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसीलिए आपको ये हलाहल का विष अपने कंठ में ही रोक कर रखना होगा। आपने संसार की रक्षा के लिए इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए आज ये संसार आपको नीलकंठ के नाम से भी जानेगा।
शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। मेरा ये रूप आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। विषैले विचार किसी के भी मस्तिष्क में आ सकते हैं, परंतु ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनके विष को, उन विचारों की अशुद्धता को अपने भीतर कितनी गहराई तक समाने देते हैं, उसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में प्रवेश करने देते हैं या नहीं। अर्थात मेरे इस रूप की जो भी पूजा करेगा वह सदैव अपने नकारात्मक, तामसिक, अशुद्ध और विषैले विचारों को नियंत्रण में करके प्रसन्न, संतोषप्रद और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सफल होगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। तक्षक, न जाने ये मेरा भ्रम है या सत्य, पर मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि महादेव की कृपा से कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है। माँ, आपने अभी अभी वासुकी भैया के साथ महादेव के दर्शन किए, आपका ऐसा अनुभव करना स्वाभाविक है। हो सकता है, किंतु मैं ये भी जानती हूँ तक्षक कि इस मंथन में हर समय प्रभु विष्णु सभी के साथ है, किंतु फिर भी मेरा मन न जाने की वासुकी को लेकर चिंतित है। बस वो सुरक्षित हो। प्रभु, कालकूट ने सभी के मन में भय उत्पन्न कर दिया है। अब मंथन का उत्साह इस आशंका में बदल गया है कि इस समुद्र के तल से न जाने अब क्या निकलेगा। कभी कभी आशंका की स्थिति भी अच्छी होती है गरु। व्यक्ति को ये पता होता है कि उसका मन क्या चाहता है और मस्तिष्क ये जानता है कि उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए उस व्यक्ति के प्रयासों में और अधिक दृढ़ता आ जाती है। नारायण नारायण। देवगण, दानवगण, भयभीत होकर पीछे हटने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मंथन आरंभ कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा वो कितने शीघ्र सत्य सिद्ध हो गया, वो देखिए। पहली बार देवों और दानवों का ध्यान कहीं और नहीं, मंथन पर केंद्रित है। हाँ प्रभु, अब ना तो देवता वासुकी के मुंह की ओर का सिरा थामने के कारण असुरों का उपहास कर रहे हैं, और ना ही असुर अपनी इस विवशता से कृपित हैं। दोनों ही पक्ष सब कुछ भुलाकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति से क्षीर सागर को मथ रहे हैं। प्रभु, अब तो माता लक्ष्मी प्रकट होंगी ना? आशा तो मुझे भी यही है गर्व, पर निश्चित रूप से मैं भी नहीं जानता। ये मंथन देव और दानव कर रहे हैं,
इसलिए समुद्र के तल से क्या बाहर आएगा और कौन उसे ग्रहण करेगा, ये सब उन्हीं के प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। और इसलिए कुछ भी पहले से बता पाना असंभव है। यदि हमारे जीवन में अनिश्चितता ना हो तो जीवन नीरस हो जाए। स्वयं विचार कर, यदि हमारे जीवन में सब कुछ हमारी आशा के अनुरूप हो या सब कुछ आशा के विरुद्ध हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में जीवन कैसा होगा? एकर सता से परिपूर्ण उबाऊ। पर गरुड़ इससे सहमत नहीं, दुविधा को दबाना नहीं चाहिए। गरुड़, जो भी मन में निश्चिंत होकर कहो। प्रभु, जब अपनी इच्छा पूरी ही ना हो बल्कि जो भी हो उसके विपरीत ही हो, तो हतोत्साहित अनुभव करना स्वाभाविक है ना? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है गरुड़? मेरी माँ को देख लीजिए भैया, इतनी लंबी प्रतीक्षा करने के बाद उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ भी तो अर्धविकसित अवस्था में। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पालन पोषण पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहा, पर मेरे जन्म लेते ही मां दासी बन गई। उनके आशा के दीप की अंतिम लौ था मैं, परंतु मैं भी दास। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य का उदय होना पहले से ही निश्चित है गर। वैसे ही हर दुख के बाद सुख का आना पहले से ही निर्धारित है। परम पूज्य ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना ही ऐसे की कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा सदैव एक सा नहीं रहता, ऋतुओं की तरह बदलता रहता है। समय आ गया है, अब इसे अपने भविष्य का आभास हो जाना चाहिए। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये जाने बिना अपने कर्म करते रहने से चिंतन बढ़ता है और जान लेने से चिंता। कुछ आ रहा है, कहीं कुछ हानिकारक तो नहीं? कुछ आ रहा है, देखो देखो वो क्या है, देखो वो क्या है। छल की आ गया है, हमें कहा था कि श्री वापस आएगी,
लेकिन यहाँ तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। तो बच्ची कुछ ही समृद्धि थी, वो भी जा रही है। नारायण ने हमारे साथ छल किया है, झूठ बोला है हमें। ये क्या कह रही हो दीदी? नारायण छल क्यों करेंगे भला? नारायण नारायण। देवी दीदी, जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कृपया आप धैर्य रखिए, कुछ ही समय में सत्य सामने आ जाएगा। धैर्य केवल भ्रम है मुनिवर, सत्य तो ये है कि मेरे आभूषण फीके पड़ रहे, मेरे गहने, मेरे कंगन, सब कुछ। ये संकेत माता लक्ष्मी के आने के तो नहीं हो सकते प्रभु। तो फिर ये कौन आ रहा है प्रभु? ये संकेत माता लक्ष्मी के आने के तो नहीं हो सकते प्रभु। तो फिर ये कौन आ रहा है प्रभु? अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माँ, माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, किंतु गुण और स्वभाव से दोनों ही बिल्कुल विपरीत हैं। यदि माँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि की जननी है तो माँ लक्ष्मी दुख और दरिद्रता का प्रतीक है। देवी अलक्ष्मी। हे महादेव, ये तो अनर्थ हो गया, कहीं इनकी दृष्टि मुझ पर ना पड़ जाए। प्रभु, ये सभी महालक्ष्मी माँ से इतना भयभीत क्यों हैं? क्योंकि इन्हें भय कि यदि इनके जीवन में देवी अलक्ष्मी की छाया भी पड़ गई तो इनके जीवन में दुख और दरिद्रता छा जाएगी। परंतु प्रभु, आपने अभी अभी समझाया कि सुख और दुख तो जीवन के भाग हैं। जब हम भगवान के दिए सुख को अपनाते हैं तो उनके दिए दुख को क्यों नहीं? माता अलक्ष्मी जैसी भी है परंतु है तो मां स्वरूप ही। यदि अलक्ष्मी की दृष्टि हम पर पड़ी तो हम पर विघ्न पहाड़ टूट पड़ेंगे। माता लक्ष्मी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
या गरुड़ को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहा है। सभी खुद को अलक्ष्मी के प्रकोप से बचा रहे हैं और ये खुद विपत्ताओं को आमंत्रित कर रहा है। मूर्ख बुद्धू, तुमने अपने पुत्र को केवल संस्कार दिए, बुद्धि नहीं दी है। पर हुआ क्या है बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी अभी वो कौवा बता के गया कि समंदर बंधन से लक्ष्मी प्रकट हुई है और तेरे पुत्र ने उनको प्रणाम कर दिया। यदि उसके प्रणाम से वो प्रसन्न हो गई तो तेरे घर में आके निवास करेगी। तू और तेरा परिवार तो कष्ट आएगा ही, साथ में मुझे भी न जाने संसार के कितने कष्ट सहने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो मैं वन में सुखी था। मूर्ख, कौन है तू जो मुझे प्रणाम कर रहा है? महर्षि कश्यप और माँ विंता का छोटा पुत्र गरुड़ हूँ मैं माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गरुड़, मूर्ख है ये गरुड़, तुझे ज्ञात ही नहीं अभी तूने किस आपदा को निमंत्रण दिया है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, विवेक भी होना चाहिए। किंतु तेरा पुत्र जब तक किसी संकट में न फंसे उसे शांति नहीं मिलती। व्यर्थी अलक्ष्मी को आमंत्रित कर दिया। तुझे भय नहीं लगता? यदि मैंने तेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया तो तेरे जीवन में दुख और दरिद्रता छा जाएगी। स्वयं को जीवन देने वाली माँ को दासी बने देखने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? सब कुछ जानते हुए भी उन्हें मुक्त ना कराने से बड़ी दरिद्रता क्या कुछ और हो सकती है? बाबा, उसके मन में कोई कालिमा नहीं है। अपने पराये का भेद तो उसने सीखा ही नहीं है, इसलिए तो वो माओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन तुझे तो अंतर करना पड़ेगा ना। अब यदि उसके कारण आलक्ष्मी तेरे यहाँ निवास करने आ गई तो वो महल देख रही है ना, उस महल की दुर्दशा तेरी इस कुटिया से भी अधिक हो जाएगी। जितने दुख तू अभी भुगत रही है ना, उससे कहीं अधिक दुख तेरी बहन और उसके पुत्रों को भोगना पड़ेगा। और ये दुख वही नहीं रुकेगा, तेरा पता पूछते हुए यहां तक आ जाएगा। तुम सब तो कष्ट भोगोगे ही, तुम सबके साथ आज इतने गुण की तरफ मैं भी
पे जाऊंगा। कहीं गरुड़ पर देवी अलक्ष्मी का अशुभ प्रकोप न पड़ जाए, मुझे गरुड़ की सहायता करनी होगी। अलक्ष्मी का प्रणाम स्वीकार हो नारायण। आपके मंथन के कारण मैं समुद्र से बाहर तो आ गई, पर देवों और दानवों में से कोई भी मेरे निकट तक नहीं आना चाहता। मैं कहाँ जाऊँ नारायण? ये नारायण, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। बाबा आप ही बताइए, देवी अलक्ष्मी को महल में प्रवेश करने से कैसे रोकूं मैं? असंभव नहीं है किंतु बहुत कठिन है। बहुत कुछ करना पड़ेगा। कर पाएगी तू? बोल, कर पाएगी तू? जहां जहां देवी लक्ष्मी का जाना असंभव हो, वो सभी स्थान आपके लिए ही है। जहां अशुद्धता हो, अशोच हो, अन्न का अनादर हो, जूठन हो, वहां आप सहर्ष निवास कर सकती हैं। तूने मुझे रोका, इतना तो साहस। जहां सत्य और संस्कार का अनादर होता, छोटी छोटी बातों पर कलह और कलेश होता, वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। इसे झूठा मत कीजिए महारानी, इससे घर में अलक्ष्मी आ जाएंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी, क्या बोले जा रही है? समुद्र मंथन से देवी अलक्ष्मी प्रकट होनी है और अब वो अपने रहने के लिए स्थान खोज रही है। तुझे किसने बताया ये? वो बाबा है ना, उन्हें कौवे ने बताया। क्या कह रही है तू? कौन सा कौवा और क्या बताया उसने? वो सब अभी समझाने का समय नहीं है महारानी। सबसे पहले हमें इस पूरे महल को ठीक से स्वच्छ करना होगा। कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो दरिद्रता को आकर्षित करे। कितनी अंधविश्वासी हो गई है तू। यदि मैंने थोड़ा सा भोजन चख लिया तो कोई बाहर टूट पड़ेगा या बिजली गिर जाएगी। भोजन झूठा हो जाएगा महारानी, और झूठे भोजन का भोग नहीं लग सकता। जहां अन्न का भोग ना लगता हो, वहां देवी लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। और जहां देवी लक्ष्मी का जाना असंभव हो, वहां अलक्ष्मी आ जाती है। जहां अस्वच्छता इतनी हो कि घर में मकड़ी के जाले लग गए, जहां धूल होती हो, वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। Thank you.
ले लीजिए दासी माँ। तुम दोनों इसकी सहायता क्यों कर रहे हो? सहायता? हाँ वो माँ, वो एक बार पहले भी हमारे कारण आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचा चुके हैं ना। हमारे ही कारण आपको जीवित पुत्रिका का व्रत रखना पड़ा था। और हम भूल कर भी ऐसी भूल नहीं करेंगे जिससे आपको कष्ट हो माँ। और ये हम इनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं ना माँ। जहां के निवासी पांव धोए बिना आसन पर चढ़ जाते और सदैव अपने पांव हिलाते रहते, वहां भी दरिद्रता आती है, वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। मेरे विष का उस बुड्ढे पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या कारण हो सकता है इसका? ऐसे पांव हिलाने से भी दरिद्रता आती है। वो कैसे वे माता? पांव हमारे स्थिरता के प्रतीक होते हैं। यदि हम ऐसे लेटकर पांव हिलाते हैं तो इससे हमारी स्थिरता समाप्त होती है और हम अस्थिर होते जाते हैं, और यह हमारे अस्तित्व के लिए संकट बन जाता है। इसी तरह यदि गंदे पांवों के साथ विश्राम किया जाए तो बुरे स्वप्न आते हैं। तो कालिया भैया का मतलब कल से बुरे स्वप्न आ रहे हैं? वो इस बात से चिंतित है कि कहीं उनके विष का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो गया। तब तो फिर हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना चाहिए। पर कैसे? आपने उस मुर्गे को पकड़ने में इतना श्रम किया, थक गए होंगे ना? इसने सोचा मैं आपके पांव दबा दे, आपको अच्छा लगेगा। अचानक से इतनी सेवा? नहीं नहीं, कुछ दिनों से सिर्फ अच्छा अच्छा करने का ही मन हो रहा है, तो इसलिए। ठीक है, फिर अच्छे से पैर दबाओ। सभी अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, पर अपनी गंदगी अपने कूड़े को निकालकर बाहर रख देते हैं। जहां आसपास का वातावरण स्वच्छ ना हो वहां रोग दुख और दरिद्रता पहुंच जाते हैं, वहां भी आप निवास कर सकती हैं। ये महल तो स्वच्छ है, यहाँ सुंदर रंगोली भी बन रही है, सुगंध और शुद्धता भी है। यहाँ के वातावरण में एक शुभ ऊर्जा का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, माता अलक्ष्मी की छाया इस घर पर ना पड़ने देने के लिए। पुत्री, आज तुमने देवी अलक्ष्मी के प्रकोप से अपने आप और अपने परिवार को बचा लिया।
तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस यही सोच रहा था कि आपको लेके सभी के मन में कितना भ्रम है। किसी ने आपको कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। आपका स्वभाव तो अनेक कठोर अवश्य है, परंतु आप हम सभी को प्रेम भी करती हैं। आप अपनी संतानों को और अधिक उत्तम बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं, और इस तरह आप उनके जीवन में सुख और प्रसन्नता भर देती हैं। बहुत प्रशंसा कर रहा है, परंतु मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी दृष्टि में मैं क्या हूँ। ये सब क्या सोचते हैं मेरे बारे में? ऐसा नहीं है माँ। अच्छा, तू समुद्र के भीतर आया था ना, लक्ष्मी से भी मिला था, अब तू ही बता, वो अधिक सुंदर है या मैं? ये किस प्रश्न में फंसा दिया माने? जब भी कोई स्त्री ऐसा प्रश्न पूछती है तो बड़े से बड़े ज्ञानी सही उत्तर नहीं दे पाते। यदि गरुड़ के उत्तर से मां रुष्ट हो गई तो पता नहीं क्या होगा। मां, माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और आप जाते हुए।